सिंपली हमें जो एम्पुल है, एम्पुल को हमें ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो टिप, ये वाला जो हिस्सा है, जगह है, इसको हमें कुछ इस प्रकार से रख लेना है यहाँ पर। फिर अगले वाले फिंगर से हमको यहाँ पर ऐसे रख लेना है, यानी कि इन दोनों की जो जो निशान है, इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। ऐसे करने के बाद फिर आपको अपने अंगूठे से, जो अंगूठा का टिप है, उससे आपको एम्पुल को प्रेस करना है, धीरे धीरे प्रेस करना है, और आपका जो एम्पुल है वो इजली टूट जाएगा और उसके ज़्यादा कड़ भी बाहर नहीं जाएंगे। कुछ इस प्रकार से हमारे एम्पुल टूट जाएंगे। तो चलिए हम अब इंजेक्शन को लोड कर लेते हैं। इंजेक्शन एम्पुल ब्रेक करने के बाद, तोड़ने के बाद, अब हम सिंपली इंजेक्शन को लोड कर लेते हैं। ध्यान रहे अंदर डालते समय हमारा जो नीडिल है वो मुड़े ना। सिंपली कुछ इस तरीके से इंजेक्शन को आपको सिरिंज में ले लेना है। जैसा कि देख सकते हैं हमारा जो इंजेक्शन है वो सिरिंज में आ चुका है। अब इसके बाद इसके अंदर की सारी एयर को बाहर निकाल देना है, इसके अंदर एयर ना रहे। चलिए इंजेक्शन जो एयर है उसको वहाँ बाहर निकालते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि ऐसी और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। इसके बाद सिंपली आपको कैप कर लेना है। कैप करते समय ध्यान दें कि जो नीडिल है वो कैप में लगे ना, ना जाएगा तो हमारा जो नीडिल है वो मुड़ सकता है। सिंपली आपको कैप कर लेना है। इसके बाद आपको कॉटन स्प्रीट का एक स्लैब तैयार कर लेना है। कुछ इस प्रकार से हम कॉटन स्प्रीट का स्लैब तैयार कर लेंगे। फिर इसके बाद चलिए पेशेंट को हम लाइव इंजेक्शन इंजेक्ट करके दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। इंजेक्शन लगाने के तरीके, आप ध्यान दें कि यहाँ पर एक बोन दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक बोन होती है जो कि हमारे कैपले को एड की होती है, एक बोन होती है। सिंपली ध्यान दें कि जहाँ पर हमारी बोन है वहाँ से 3 इंच ऐसे, जो आपकी उंगली है, उंगली को यहाँ पर ऐसे है। उंगली लगाने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा डॉट आ रहा है यहाँ पर आएगा, जो इंजेक्शन है हम यहाँ पर लगाएंगे। सिंपली यहाँ पर जो बोन होती है, बोन को बोन से हमें 3 फिंगर ऐसे करना है। करने के बाद यहाँ पर हम इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देंगे। उससे पहले हमें पेशेंट के हाथ को कुछ इस टाइप से ऐसे हल्का करने के लिए कहना होगा। करने के बाद आपको नाप लें कहाँ पर आएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा हमारा। इसके बाद हम काटन स्प्रीट से इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे राउंड शेप में, ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना फैले, कोई भी बैक्टीरिया यहाँ पर ना हो। इसके बाद आपको मसल को कुछ इस टाइप से ऐसे पकड़ना है। इसके बाद आपको 90 डिग्री पर सिंपली कुछ इस तरीके से 90 डिग्री पर इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देना है। इंजेक्ट करने के बाद जो सिरिंज है उसको थोड़ा सा पीछे कर ले, अगर इसमें ब्लड ना आ रहा हो तो धीरे से इंजेक्शन को इंजेक्ट कर दें। इंजेक्ट करने के बाद तुरंत ही वहाँ से इंजेक्शन निकाल कर काटन लगा दें और उसको दबाए रखें। ध्यान दें इसको मलना नहीं है, केवल दबाए रखना है। आपका इंजेक्शन का प्रोसीजर हो गया। तो कुछ इस टाइप से डेल्टोइड मसल्स इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, ताकि ऐसी और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।